टिकट में ही बुक किया था। तो अभी हम पहुंचेंगे चंडीगढ़। चोरी है ना भाग भाग के फ्लाइट पकड़ने वाला, वो तो मैं आपको सुनाऊंगी अच्छे से विस्तार में। अभी फिलहाल बहुत ही मुश्किल से मुझे फ्लाइट मिला है। ये अपने विद पांडे ब्लॉग पे देखा ही होगा कि एक मुझे स्टाफ मिले थे जिन्होंने मुझे ये फ्लाइट पकड़ाया, तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू वो स्टाफ भैया। मैंने आधे टाइम उनको पैसा भी दिया और सॉरी मुझे नहीं बताना चाहिए बट मतलब मैं उन्होंने हेल्प करी यार, तो मैंने भी उनकी हेल्प करी क्योंकि वो फ्लाइट की तरफ से नहीं थे ना ही एयरपोर्ट की तरफ से, वो जस्ट एक स्टाफ थे जो सबकी मदद करते हैं और जिनकी मदद करते हैं वो उनको पैसे देते हैं, तो मैंने भी दिया उनको। तो अभी हम पहुँचेंगे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पहुँचने के बाद मैं पूरी स्टोरी सुनाऊँगी, ब्लॉग में एंटर बने रहना। आज मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इससे पहले मैं कभी भी इतना फ्लाइट में नहीं डरी जितना आज डर रही हूँ। पटना बाय बाय शिव मंगल पूजा दीदी। हालत खराब हो रही है मेरी, डर जरूरत से ज्यादा लग रहा है। ये है मेरा खाना जो कि मैंने टिकट में ही बुक किया था, इसमें सैंडविच है और ये रहा कोक। ओहो हो हो यार, ये मुझे क्यों पागल बनाया है लोगों ने, इस खाने का नाम तो लिख के डाल देते कि कौन सा खाना ही है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये है मेरा खाना, सिर्फ नारियल है और ये आई डोंट नो क्या है, मिनी टोमेटो जो है ये तो सड़ा हुआ है यार, बेकार है। बस मैं ये खा रही हूँ क्योंकि ये ठीक है, ढंग का है। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे नए ब्लॉग में। इस वक्त मैं हूँ प्लेन के संडास में, प्लेन के संडास में समझ रहे हो, मेरे आस पास ये छोटू सा
हेड वॉश लाइक मतलब बेसिन और शौचालय नहीं दिखा सकती। मैं आई थी सच में यार, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट लगा था टॉयलेट करने के लिए, कर लिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ। चुके हैं यहाँ तस्वीरें लेना मना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अराइव्ड एट चंडीगढ़, दिस इज द डिफेंस एयरपोर्ट, फोटोग्राफी एट दिस एयरपोर्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, थैंक यू। ना ऐसे जो इसको हम अपन अपने लैंग्वेज में तो डिक्की बोलेंगे, प्लेन का डिग्गी खुलते हुए ना पहली बार देखा है मैंने लाइफ में, इस तरीके से खुल चुका है। अभी इधर से अपन लोग का सूटकेस निकलेगा और एग्जिट गेट से अपन लोग निकलेंगे। कान बिलीव इतना बड़ा है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, अभी तक मैं ना दिल्ली और मुंबई के बाद ये तीसरा ऐसा एयरपोर्ट है जो कि बड़ा दिखा मुझे, वरना सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट दिखते हैं, खाली भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा